न्यूज़ पॉइंट में दोस्तों हम अमूमन, क्या अमूमन कहें या कह सकते हैं 99.9% जो चर्चा करते हैं सियासी मसलों की करते हैं, और आज भी उन्हीं मसलों पे करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले, चूंकि सियासत की बात छेड़ें, उससे पहले आप सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 3 बार के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, रहे उत्तर प्रदेश के, और कुछ कहें ना कहें, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ जो है वो आज चला गया। डीवी लाइव की टीम और हम सब मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ें और सीधा लगातार भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते रहे हैं, और आज भी भारत जोड़ो यात्रा से लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे और साथ में शरद पवार की भी बात करेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इससे जनाधार खो चुकी कांग्रेस को फिर से खड़ा होने का मौका मिलेगा, और अब यात्रा के 1 महीने के बाद ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस को न केवल जनता बल्कि दूसरे दलों का भी साथ मिलने लगा है और कांग्रेस नए सिरे से मजबूत हो रही है। कांग्रेस की ये मजबूत स्थिति एक तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों में उसे फ़ायदा शायद पहुँचाएगी, शायद कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि 100% नहीं कहा जा सकता चुनाव से पहले, रिजल्ट के बाद ही सब कुछ होता है और आजकल रिजल्ट आते आते ईवीएम की बात बहुत होने लगती है, इसलिए अब शायद लगाना बहुत वाजिब लगता है। वहीं 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, आम चुनाव जो 2024 में 2 साल बाद, उसमें बीजेपी को शायद कांग्रेस परेशान भी करेगी। बीजेपी अभी से खुद को घिरा हुआ महसूस भी कर रही है, इसीलिए चुनावी राज्यों में अब दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी के दौरे भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में थे, उसके पहले वे गुजरात में थे और अब एक बार फिर से गुजरात पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इधर बीजेपी की रणनीतियों के बावजूद विपक्षी दल न केवल एकजुट होने लगे हैं बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने की बात भी वहां होने लगी है। आज लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद जनता के बीच, जनता आम जन की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच, उनका 2 दिवसीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा था। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आज लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने रूबरू संबोधित किया इस अधिवेशन को, और वहां वो राजद के यानी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए। और इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ सभी दल कांग्रेस के साथ आएं। उन्होंने कहा कि जो दल ऐसा नहीं करते हैं उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। आइए उनकी बात, उनकी जुबानी सुन लेते हैं इस वीडियो के जरिए। सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं एडवाइस करता हूं कि एकता पर दौड़ रहना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा साम्प्रदायिक रंग दे दिया है, हर बात में मुस्लिम मुसलमान तो मस्जिद मंदिर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी व्यवसाय, लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया, कहाँ गया वो रुपया बताओ कहाँ गया रुपया, नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिल के और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब इधर काम शुरू किया तो उधर CBI का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ED और
सीबीआई का छापा छापा मारो, छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या तुम्हारे समझिए, छापा छापा मारा आपको छाप देंगे हम लोग, जैसे 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 यहाँ छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। तो लालू प्रसाद यादव कमज़ोर ज़रूर हो गए हैं उम्र के हिसाब से भी और बीमारी के कारण भी, लेकिन उसके साथ साथ अंदाज उनका नहीं बदला है, वही अंदाज वही पुराना अंदाज अभी भी है। और पहली बार इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने वीडियो के ज़रिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, लेकिन आज रूबरू संबोधित कर रहे थे और दिल्ली में। और इसके अलावा लालू यादव ने कहा है कि मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि एकजुट होकर लड़ना है, और भाजपा ने समाज में सांप्रदायिकता फैला दी है, हर बात में मुस्लिम मंदिर की बात कर रहे हैं। भाजपा जब से देश की सत्ता में आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। और लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, वो पैसा कहाँ है। तो साफ है कि बीजेपी के वादों पर लालू प्रसाद न केवल उसे घेर रहे हैं बल्कि कांग्रेस का साथ देने की बात भी कह रहे हैं। इधर खबर ये भी आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंचेगी तो वहां एनसीपी नेता, एनसीपी के चीफ शरद पवार उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कुछ वक्त पहले शरद पवार ने भी विपक्षी एकजुटता की बात कही थी, और लोकसभा चुनावों के पहले अगर वे कांग्रेस की यात्रा का समर्थन करते हैं तो इससे बड़े राजनीतिक बदलाव और मजबूत समीकरणों के संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कुल मिलाकर जो माहौल 2004 के पहले आप याद कीजिए कि बीजेपी के खिलाफ बन रहा था, 2004 की बात कर रहा हूं, उस समय जो बन रहा था लगभग वैसा ही नजारा अब दिखाई देने लगा है। आप याद कीजिए कि 2004 के समय भी बीजेपी समर्थक ये सवाल उठाते थे कि बीजेपी का विकल्प क्या है, कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है, क्या कांग्रेस के साथ बाकी दल आएंगे, और इन सवालों के जवाब बीजेपी की हार के तौर पर सामने 2004 में आए थे। अब फिर से वही सवाल उठाए जा रहे हैं 2024 के लिए, 20 साल बाद मोदी जी के विकल्प की बात होने लगी है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है और उनके प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थनाएं हो रही हैं, उससे समझ आता है कि देश में बदलाव की सुगबुगाहट दिखने लगी है। चुनाव में कौन जीतता है, राहुल गांधी पीएम बनते हैं या नहीं, ये तो 2 साल बाद की बातें हैं, लेकिन अभी दिग्गज राजनेता अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करने लगे हैं तो इससे समझ में आ जाएगा या समझ आ रहा है कि देश का राजनीतिक माहौल बदल रहा है। तो आज दोस्तों चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई है, और क्या इसी मजबूती का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव और शरद पवार जैसे नेता भी कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं। क्या ये मजबूती 2024 तक बरकरार रहेगी, ये भी